सो हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अंचलपन व्लॉग्स। स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग स्वस्थ मस्त हो गए। तो आज है 8 फरवरी 2023 और बुधवार का दिन है। नैनीताल में आज भी बहुत अच्छी धूप आई हुई है और मैं इस समय बैठा हूँ यहाँ पे है अपनी फेवरेट डेस्टिनेशन पे। ये जो मेरी नैनीताल का जो मेन एरिया है डांट का, यहाँ पे। और शुरू करते हैं इस व्लॉग को। चले बने रहिए आप इस व्लॉग में और आज चल करके आपको दिखाते हैं एक स्पेशल जगह। कुछ नया खुला है नैनीताल में, तो क्या नया खुला है और क्या है वो स्पेशल चीज़, तो ये चल करके आज आपको दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं, बने रहिए व्लॉग में। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्द से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अपने कमेंट जरूर दें, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है। तो प्लीज़ ढेर सारे कमेंट्स अपने फेंको जल्दी से। नैनीताल में आज भी अच्छी खासी धूप रही है। मौसम विभाग का हालांकि एक येलो अलर्ट का प्रेडिक्शन आया है, लेकिन जिसको देख करके लगता नहीं है नैनीताल के मौसम को देख करके कि ऐसा कुछ यहाँ पे मौसम में बदलाव आएगा। धूप जरूर बनी हुई है और ठंडक बिल्कुल ख़त्म हो गई। अब लगता है कि जब स्कूल्स खुलेंगे तभी यहाँ पर को मौसम में कुछ डिस्टर्बेंस होगा और इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी। हालाँकि बादल हल्के हल्के आते हैं लेकिन उड़ करके चले जाते हैं यहाँ पर को। आप देख सकते हो लोग भी मज़े से यहाँ पे बैठे हुए हैं, बढ़िया तरीके से यहाँ पे अपना नैनीताल में टूरिस्ट इस समय घूमने के लिए आ रहा है। और ये एक अपना अलग ही मज़ा इस साल यहाँ पे नैनीताल में देखने को मिला है। तो मैं अभी यहाँ पे को वेट कर रहा हूँ डांट पे अपने एक फ्रेंड का, उसके साथ मैंने जाना है एक नई जगह देखने के लिए। तब तक के लिए मैंने सोचा कि आपको यहाँ पर को नज़ारा दिखा दूँ। ये नैनीताल में देख सकते हो पानी साफ़ है तो मछलियाँ भी बड़े आराम से तैर रही हैं। पहले जब ठंडा पड़ता था तो मछलियों की बदबू से यहाँ पे खड़ा नहीं होया जाता था, लेकिन अभी इधर लेक के वाटर की क्वालिटी काफ़ी बढ़ी है, साफ़ हुई है, तो उससे नैनीताल की ये जो लेक है इसमें मछलियाँ भी बड़े आसानी से और आराम से यहाँ पे मूव करती हैं। अपना फ्रेंड आ गए हैं, अब हम चलते हैं आगे को, दिखाते हैं आपको। तो गाड़ी पक कर रहा है तो फिर उसके साथ जाएगा। तो हम हैं इस समय तलेताल मार्केट में। बच्चों के स्कूल की छुट्टी हो गई है और हल्का हल्का क्राउड यहाँ पे दिख रहा है मार्केट में। इससे पहले तो मार्केट पूरी सुनसान थी। तो हम आगे को बढ़े हैं और आपको लेकर के चल रहे हैं इस एक नई जगह पे। वहाँ पे को किस तरह का है वहाँ पे आपको दिखाते हैं। तो ये है क्रांति चौक और यहाँ से ये रास्ता नीचे तलेताल बाज़ार को जाता है, आगे मार्केट है। और अब हम इस रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं और हम जिस प्रॉपर्टी पे जा रहे हैं अब वो है हॉस्टल 24, बैकपैकर्स यूथ हॉस्टल। तो चलिए आपको चल करके दिखाते हैं क्या है ये हॉस्टल। एक नई चीज़, नया कंसेप्ट नैनीताल में खुला है। इस रोड को कहते हैं रैमजे रोड और ये आगे जाती है DM ऑफिस और डिस्ट्रिक्ट जज, जो यहाँ का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, तो डिस्ट्रिक्ट जज के वहाँ के ये रास्ता जाता है, साथ ही स्कूल्स को जाता है। हम बढ़े हैं इस रोड पे आगे और यहाँ से इस दुकान से ये जो ये चॉइस ब्यूटी सेंटर है, इस दुकान से हम लोग लेते हैं राइट टर्न। हालांकि कुछ एक सीढ़ियाँ हैं, थोड़ा पहाड़ी रास्ता है, तो जिन लोगों को चलने में दिक्कत है उन लोगों के लिए थोड़ा सा वो रहेगा। नमस्ते, कैसे हैं भैया? क्या है, चलिए दिखाइए। तो ये क्या नाम है आपका? महिपाल। महिपाल जी, तो ये महिपाल जी हैं इस प्रॉपर्टी पे यहाँ पे मैनेजर। और महिपाल जी अब हमें दिखा रहे हैं यह हॉस्टल 24, बैकपैकर्स हॉस्टल। और अब हम एंटर कर गए हैं इस हॉस्टल में। तो नैनीताल के तलेताल बाज़ार से थोड़ा सा ऊपर जाकर के ये प्रॉपर्टी है, पुराना ये इस जो ओनर्स हैं इस प्रॉपर्टी के, पुरानी प्रॉपर्टी है उनकी है। और उस प्रॉपर्टी को उन्होंने रिफर्बिश करके एक नया लुक दिया है। ये आप देख सकते हो बहुत प्यारे कलर्स, वाइब्रेंट कलर्स इन्होंने इस प्रॉपर्टी में डाले हैं।
बहुत अच्छे से डेकोरेट किया है इस प्रॉपर्टी को, और एक बहुत शानदार प्रॉपर्टी इन्होंने यहाँ पे नैनीताल में बनाई है। तो चलिए जानते हैं क्या है। महिपाल जी, दिखाइए हमें क्या है ये स्पेशल चीज़ जो आप यहाँ पे स्टार्ट करी है। ओके, बताइए क्या है। ओके, हिसाब से देते हैं। ओके जी, तो बेड के हिसाब से नैनीताल में एक ये हॉस्टल स्टार्ट किया है, बैकपैकर्स हॉस्टल है। तो सोलो ट्रैवलर्स जो होते हैं या जो सिंगल टूरिस्ट हैं या फिर ग्रुप्स भी, इवन इनके यहाँ पे 16 बेड्स हैं, तो ग्रुप्स भी यहाँ पे आकर के आराम से रह सकते हैं। तो ख़ास करके सोलो ट्रैवलर्स के लिए तो ये एक बहुत ही शानदार डील है, बहुत अच्छी डील यहाँ पे इन्होंने ये ऑफ़र करी है सोलो ट्रैवलर्स के लिए, साथ ही ये ग्रुप्स को भी एंटरटेन करते हैं। यहाँ पे को सारी जितनी नैनीताल की एक गैलरी, फ़ोटो गैलरी यहाँ पे बनाई है, ये आप देख सकते हो, ये नैनीताल की फ़ोटो गैलरी है, इन्होंने बिफोर इंडिपेंडेंस से स्टार्ट करी है, और ये आप देख सकते हो इस तरह से ये यहाँ पे बेड्स हैं। ये शेयरिंग बेसिस पे रहता है, तो आप सिंगल बेड ऑक्यूपेंसी आप ले सकते हो, बेड की ऑक्यूपेंसी का चार्ज होता है, और हम इनसे जानेंगे क्या है बेड की ऑक्यूपेंसी का चार्ज। तो इस तरह से यहाँ पे कोई इन्होंने ये एक बहुत लिमिटेड स्पेस में बहुत अच्छी प्रॉपर्टी यहाँ पे ये डिज़ाइन और स्टार्ट करी है। एक दूसरा यहाँ पे ऐसा रूम है, अंदर वाला लगा है, अभी गेस्ट हैं अंदर वाले में। ओके जी, इस वाले जी, इट्स दिखाए इस तरह से टॉयलेट्स यहाँ पे, ये वॉशरूम का एरिया है, और वॉशरूम एक ये है और एक बाहर भी है, एक बाहर है। एक सबसे अच्छी जो बात मुझे यहाँ पे लगी कि टॉयलेट्स वगैरह नीट एंड क्लीन है यहाँ पे को, काफ़ी अच्छी टॉयलेट्स इन्होंने यहाँ पे मेंटेन करके रखी हैं, साथ ही पूरी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, हॉट वाटर दे रहे हैं, और दूसरी सबसे अच्छी चीज़ कि गर्ल फ्रेंडली है ये यहाँ पे को, मतलब कि सोलो गर्ल ट्रैवलर्स भी आकर के यहाँ पे आराम से रुक सकती हैं, क्योंकि ये बिल्कुल बीच लोकेलिटी में ये सेंट्रली लोकेटेड है, आसपास में अगल बगल लोगों लो यहाँ पे रहने के लिए मकान है लोगों के, तो कोई भी ऐसी दिक्कत यहाँ पे को उनको नहीं होनी है, क्योंकि ये पुराना उनका घर था जिसको इन्होंने रिफर्बिश करके एक हॉस्टल का रूप दे दिया है। अभी उसका बुबूस कैफे तो पूरा एक तरह से सेफ एनवायरनमेंट है। अगर साथ यहाँ पे को यहाँ पे एक गेस्ट आए हुए हैं जगवान जी, मेरठ से आए हैं आप, तो उनसे जानते हैं कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस यहाँ पे को आज। सर, ये पहली बार आप इस प्रॉपर्टी पे आए? नहीं, मैं तो आ चुका हूँ इससे पहले भी। हाँ, पहले भी आ चुका इस प्रॉपर्टी पे, मगर इस बार ज़्यादा बेस्ट अच्छा लगा है, और सर भी अच्छे हैं, इन्होंने मुझे कोऑपरेट भी करा। तो कैसे ढूंढी आपने ये प्रॉपर्टी? इनका मैंने फ़ोन नंबर देखा था, ऐड था, फ़ोन करा था कल मैंने, तो इन्होंने मुझे सजेशन दिया है, सही दिया है, बेस्ट है। सोलो ट्रैवलर्स के लिए किस तरह से आपको लगता है ये प्रॉपर्टी नैनीताल में किस तरह की है? ये बेस्ट है, बेस्ट है, जिस प्राइस पे इन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया अभी, क्योंकि उम्मीद नहीं थी वैसे। हाँ, इस प्राइस में जो उन्होंने मुझे दिया है, मुझे उम्मीद नहीं थी। आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा है? अच्छा रहा है, और ऊपर वाले का मैं शुक्रिया करता हूँ, इनसे मुझे मिलवाया है सर। तो महिपाल जी, इस प्रॉपर्टी पे ये क्या टैरिफ आपने रखा है, क्या बेड्स के क्या चार्जेस हैं, ये बताएंगे आप? जी, बेड जैसे आजकल है ऑक्सीजन में तो 500 रुपये बेड, ठीक है, जैसे थोड़ा ऑक्सीजन बढ़ जाता है उसमें हम 999 तक जाते हैं। 999 जी। और क्या क्या फैसिलिटी दे रहे हैं कस्टमर को अभी आप यहाँ पे? अभी गर्म पानी के लिए गीजर भी लगाए, ठीक है, वाईफाई के, ठीक है, वाईफाई फ्री है जी। और फूड का क्या रहता है? फूड का सर ये है, फूड का बगल में रेस्टोरेंट भी है, ठीक है, वहाँ भी जैसे कोई
बाहर से मंगाना चाहते हैं, सर्विस कर लेंगे इसे। अच्छा, बाहर से सर्विस मिले। और क्या टाइमिंग्स हैं, चेकआउट टाइम वगैरह क्या है यहाँ का इस प्रॉपर्टी का? चेकआउट टाइम मॉर्निंग 10 बजे, ठीक है। चेकआउट टाइम ये 11-12 बजे, अच्छा, कभी भी कर सकते हैं। कभी भी वो है, लेकिन चेकआउट आपका 10 बजे मॉर्निंग 10 बजे रहता है। तो इस पे यहाँ पे को इसके अलावा कोई भी अगर ट्रैवल डेस्क की कोई भी सुविधा हो तो वो भी अवेलेबल हो जाती है? ट्रैवल डेस्क की भी सुविधा अवेलेबल हो जाती है। और स्टोर्स के लिए क्या है, जैसे लगेज रखना है अपना, तो वो क्या स्टोरेज के लिए स्टोर रूम्स वगैरह कुछ ऐसे या लॉकर रूम्स वगैरह कुछ बनाए? अभी तो नहीं बनाए, अभी नहीं बनाए, जैसे बनाए बैठ। अच्छा, इसी तरह से वो रहता है। चलिए चलिए, बहुत सुंदर प्रॉपर्टी है आपकी, है ना। चलिए, थैंक यू। तो नैनीताल में 500 रुपये में इस तरह से सोलो ट्रैवलर्स के रहने के लिए यह एक शानदार जगह है, जहाँ पे आपको चार्जिंग पॉइंट, वाईफाई, गर्म पानी, गीज़र सहित और अच्छी फैसिलिटीज़ सारी मिलती हों और लोकेशन बहुत शानदार हो, तो ये जगह एक बहुत शानदार जगह है। आई होप कि आपको हमारी ये जगह पसंद आएगी। ये जो जगह है, ये जो ओनर्स ने यहाँ पे कोई ये इंट्रोड्यूस करी है इस तरह की एक नया कंसेप्ट को, तो आई होप कि जो सोलो ट्रैवलर्स हैं उनको नैनीताल आकर के ये जगह ज़रूर अपील करेगी। तो आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर कोई भी आपकी क्वेरीज हैं, इस प्रॉपर्टी के नंबर्स हमने नीचे कमेंट बॉक्स में दिए हुए, आप उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी आपके लिए नैनीताल में एक अच्छा ऑप्शन ज़रूर बन करके आएगी। तो प्लीज़ बने रहिए इस ब्लॉग में, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।